लेबनान के हिजबुल्ला ने पहले इसराइल के लाखों डॉलर्स के ड्रोन को मार गिराया और फिर इसराइल में सबसे भीतर घुसकर उसके दो सैन्य अड्डों पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। हिजबुल्ला के ये वो हमले हैं जिससे इजरायली सेना को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्ला ने अभी तक इसराइल के लाखों डॉलर्स के 5 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अलावा उसने उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर बनी इजरायली सेना की तमाम चौकियों और जासूसी उपकरणों को मिट्टी में मिला दिया है और अब हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल हिजबुल्ला ने ऊपरी गैलिली पर लेबनानी बॉर्डर के पास बसे मरगलियत इलाके पर दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इन रॉकेट्स को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से इलाके में हवाई हमले के सायरन नहीं बजे थे। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने इस हमले को लेकर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। IDF का कहना है कि कम से कम 10 रॉकेट्स को लेबनान बॉर्डर पार करते हुए चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का कहना है कि इनमें से एक रॉकेट की वजह से मुर्गियों के एक बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, जबकि अन्य रॉकेटों की वजह से इलाके में बत्ती गुल हो गई थी। हालांकि इजरायली मीडिया ने अभी तक इन हमलों में किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई खबर नहीं दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के इन हमलों में हवाई हमले के सायरन तक नहीं बजे। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो में रात का अंधेरा दिख रहा है और सामने आबादी में घरों की बत्तियां जलती हुई दिख रही हैं और तभी धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में एक मकान दिख रहा है जो हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। दावा है कि ये मकान हिजबुल्ला के हमलों में क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने जिस इलाके में हमला किया है वो किरियत शमोना के बेहद ही करीब है और किरियत शमोना पर हिजबुल्ला पहले भी कई ड्रोन और रॉकेट हमले कर चुका है।